विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इस्पात क्लब भिलाई में मानवाधिकार परिषद के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिले के कप्तान अभिषेक पल्लव कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इस्पात क्लब भिलाई में मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप दुर्ग जिले के SP अभिषेक पल्लव विशेष रूप से मौजूद रहे। आए हुए अतिथियों का स्वागत सर्वप्रथम स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। अतिथि के रूप में मौजूद SP अभिषेक पल्लव ने मौजूद लोगों को ह्यूमन राइट्स के साथ साथ वर्तमान में होने वाले साइबर क्राइम की भी जानकारियां दी। इस मौके पर कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। समाज के लिए के उत्थान के लिए बेसिक राइट्स में जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो डिग्निटी है कि एक गरिमापूर्ण जिंदगी, जिसने जितना अपराध किया है उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सारे जो है जजमेंट में क्या क्या एक अधिकार है सभी के वो उसमें दिए हैं। बच्चों के अधिकार हैं, महिलाओं के अधिकार हैं, बुजुर्गों के अधिकार हैं, जो अपराधी हैं उनके भी अधिकार हैं। 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में हमें पेश करना होता है उनको। सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री जो मारपीट है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, किसी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती। पुलिस के सामने दिया हुआ साक्ष्य भी इसीलिए एडमिसिबल नहीं है। लगातार लोग जो है ह्यूमन राइट के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति को अपने राइट के बारे में पता हो। वहीं मानवाधिकार परिषद के जिला अध्यक्ष ऋषभ शर्मा व नेशनल सेक्रेटरी नियाज खान ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारियां दी। आज 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर दुर्ग भिलाई में जनहित में किए गए कार्य के लिए हमारे जो कोरोना काल में लोगों ने काम किया था और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, इन सभी मानवाधिकार के जो हनन हो रहा है, इसलिए आज हमारे मुख्य अतिथि SP साहब को बुलाया गया था और उन्होंने आकर के समय दिया, उनका हम लोगों ने आभार व्यक्त किया। और तमाम तरह की जो परेशानियां आज हो रही हैं उन्होंने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करके बताया कि हमें पर क्या क्या करना है। तो मानव हित में जो भी काम होगा, जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सभी चीज़ों के लिए हमारा संगठन। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट।